डिफॉल्ट एक चौदह खत्म, रुपए पर दबाव एक दो हफ्ते में खत्म हो जाएगा। एक इंटरव्यू में मफ्ता इस्माइल ने कहा कि रुपए पर दबाव एक दो हफ्ते में खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी और शरा मुबादला मुस्तकिम होगा। कहा कि डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके हैं और पॉलिसी साजों को भी ये मालूम है, जल्द पॉलिसी प्लान बनाया जाएगा। दरामदात में कमी और बरामदात में तीन माह में बढ़ जाएंगे। वजीर खजाना का कहना था कि आईएमएफ से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। आईएमएफ के डायरेक्टर्स की यकमता 15 अगस्त छुट्टी है, इसलिए मीटिंग्स में ताखीर है। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब के उहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब की जानिब से हलफ लेने से इनकार के बाद सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही से हलफ लिया। इससे कबल चौधरी परवेज इलाही हलफ बर्दारी के लिए खसूसी तैयारी के जरिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्टी स्पीकर रोलिंग केस में परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पंजाब असम्बली के डेप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रोलिंग कल अदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब करार दिया। गवर्नर पंजाब को गुज़श्ता रात 11:30 बजे तक उनसे हलफ लेने का हुक्म दिया था, लेकिन ताहम गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान ने चौधरी परवेज इलाही से हलफ लेने से माजरत कर ली, जिसके बाद अब सदर ममलिकत ने हलफ लिया। तीन रुकनी बेंच का शुक्रिया अदा करना ना भूलें, मरियम का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। ट्विटर पर जारी बयान में मरियम नवाज ने कहा कि बराए करम तीन रुकनी बेंच का भी शुक्रिया अदा करना ना भूलें, जिन्होंने आपके लिए कानून और इंसाफ से हटकर फैसला दिया। इससे कबल अपने एक बयान में मरियम नवाज ने अदालती फैसले को जुडिशल को करार देते हुए कहा था कि इंसाफ का कत्ल नामंजूर, हुकूमत को सख्त मौकफ इख्तियार करना चाहिए और डट जाना चाहिए। लीडर इन हालात से बनते हैं जिनका वो सामना करते हैं। परवेज इलाही की तकरीब हलफ बरदारी सरकारी टीवी पर ना दिखाने पर फवाद चौधरी बरहम। एक बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ये हरकत की गई, जिसे मुआफ नहीं करेंगे। परवेज इलाही तो वजीर आला बन गए, मगर रियासत की जिम्मेदारियों को मलहूज खातिर नहीं रखा गया। कहा कि वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब जेल जा रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया, जबकि जुल्फी बुखारी ने कहा कि आसिफ जरदारी बड़े सियासतदान है या इमरान खान, ये फैसला आवाम ने कर लिया है। और इधर हर साल की तरह इस साल भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल चमन के जेर एहतमाम मुनक्किद हुआ, जहां स्कूल के तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और इंडोर गेम्स के मुकाबले जारी हैं। आगा न्यूज के ब्यूरो चमन मोहम्मद कसीम अचकजई से खसूसी गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल अब्दुल समद अचकजई का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। बलूचिस्तान के सरहदी जिला चमन में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में प्रिंसिपल अब्दुल समद अचकजई की जानिब से आज बाकायदा मॉडल हाई स्कूल चमन की ये रिवायत रही है कि हम स्पोर्ट फेस्टिवल मुनक्किद करते आ रहे हैं। इस साल भी उसी सिलसिले की ये स्पोर्ट फेस्टिवल उस सिलसिले की कड़ी है, तो हमने कल बाकायदा हमने इसको इनॉग्रेट किया। तो कल हमारा प्रेस भी का एक इवेंट चला, जिसमें तकरीबन 12 टीमों ने हिस्सा लिया और आज हमने प्रेस भी का फाइनल किया। तो इस स्पोर्ट फेस्टिवल में हमारे साथ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, प्रेस भी की हमारे मेजर इवेंट्स होंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने मुख्तलिफ खेल रखे हैं, जिस तरह तीन टांग की दौड़ है, स्लो साइकिलिंग है, आटे में सिक्का तलाश करना, एप्पल गेम्स ये है। और इन सारी सरगर्मियों का बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने इदारे को इस शहर के बच्चों के लिए, इस कम्युनिटी के लिए बाय से दिलचस्पी बनाए, लोग आए हमारे गवर्नमेंट के इदारों में दाखिला लें और इंशाल्लाह हमने यहाँ पर एक अच्छा तालीमी माहौल मुहैया किया हुआ है। जो बच्चे हमारे साथ से तालीम है, आप इनसे पूछ सकते हैं। अकेडमिकली हम भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारे बहुत अच्छे हैं। पिछले साल हमने 10-12 फंक्शंस मुनक्किद किए थे, कोई भी नेशनल इवेंट हमने मिस नहीं किया है। तो अब मेरी ये गुजारिश है आपकी तवज्जो से, ये स्पोर्ट्स एक पैगाम है अमन मोहब्बत का, और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं पूरे शहर को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए। ये पब्लिक इंस्टीट्यूट है, ये किसी की ज़ाती मलकियत नहीं है, यहाँ पर आए और इसमें स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराए।
और इससे बढ़कर बात यह है कि हमारा चूंकि गवर्नमेंट का इदारा है, यहाँ पर कोई दाखिला फीस नहीं है, एपएससी तक बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हम बच्चों को स्टेशनरी भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, किट्स बैग भी देते हैं, तो एक बेहतरीन तालीमी माहौल मौजूद है, सीनियर असातिज़ा कराम हमारे साथ मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारा ये जहाँ तक स्पोर्ट्स का ताल्लुक है, ये तकरीबन हमारे 8 दिन तक ये चलेगा, जिसमें शेर के अफिसरान और मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हमारे साथ शिरकत करेंगे। यहाँ पे भी इनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और इन बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई करें। जी बिल्कुल, आपने सुना हुआ था, इनका मजीद कहना था कि स्पोर्ट्स से मोहब्बत और मंशा से नफरत। जी